माइक का सिस्टम, माइक का। मूर्ति अर्थात अपने पांच इंद्रियों के जो विषय हैं, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, ये विषय जिस पदार्थ में पाए जाते हैं उससे मूर्ति कहते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो इन्होंने चार चीजें, स्पर्श रस गंध वर्ण, ये चार वस्तुएं ली, जिसका कुछ न कुछ स्पर्श हो, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, चाहे चिकना हो चाहे खुरदरा हो, चाहे हल्का हो चाहे भारी हो, चाहे स्निग्ध हो चाहे कठोर हो, ये आठ प्रकार के स्पर्श हो। तो जिसमें कुछ न कुछ स्पर्श होता है, हम उसको छूए तो इन आठ में से कुछ न कुछ तो होगा। तो जिसमें कुछ न कुछ स्पर्श होता है, जिसका कुछ न कुछ रस होता है, खट्टा हो मीठा हो कड़वा हो कसायला हो नमकीन हो, रस बहुत प्रकार के होते हैं, इनमें से कोई ना कोई रस होना चाहिए। तो जिसका कोई ना कोई रस हो, फिर जिसकी कोई ना कोई गंध हो, या तो दुर्गंध हो अथवा सुगंध हो, और चौथा इसका कोई ना कोई वर्ण हो, लाल हो काला हो पीला हो हरा हो नीला हो, ये मूल पांच वर्ण होते हैं, इनमें से कोई भी एक होना चाहिए, और फिर उससे मिला हो तो फिर अनेक प्रकार के वर्ण बन जाते हैं। तो जिनमें कुछ ना कुछ स्पर्श हो, जिसका कुछ ना कुछ वर्ण हो, जिसका कुछ ना कुछ गंध हो, और जिसमें कुछ न कुछ शब्द स्पर्श रस गंध और वर्ण हो, उस पदार्थ को हम मूर्ति कहते हैं। अब ऐसे पदार्थ कौन कौन से हैं आपको दिखते हैं ऐसे पदार्थ? अच्छा, अपना शरीर है वो मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? अच्छा, इसमें स्पर्श है कैसा है? किसी का ठंडा है किसी का गर्म है, बुखार आए तो गर्म हो जाता है और बुखार नहीं आए तो ठंडा रहता है, तो इसमें स्पर्श भी है किसी का ठंडा किसी का। अच्छा, इसका कोई रस है? कोई चाट के देखो तो पता लगेगा इसका रस होता है। अरे रस नहीं हो तो नर पक्षी खाए नहीं इसको, पशु पक्षी खाए नहीं, आप छोड़ दो मुर्दे मुर्दे को तो खा जाते हैं, चींटियां काटती हैं किस कारण? कुछ न कुछ रस मिलता है इसलिए तो, मच्छर काटते हैं कुछ न कुछ रस है इसका इसलिए काटते हैं, तो इसका रस भी है। गंध, इस शरीर की कुछ न कुछ गंध होती है, रस का मतलब स्वाद, रस का मतलब समझना है आम रस, वो नहीं उन आम रस में स्वाद होता है, स्वाद तो कुछ न कुछ स्वाद आता है इसका, अच्छा है अथवा बुरा है उसकी बात नहीं कर रहे। अच्छा, गंध इस शरीर की कुछ होती है? हाँ, पसीना। और किसी को पसीना नहीं आए तो इसकी कुछ गंध होती है? परफ्यूम। और वो तो परफ्यूम की है, शरीर की नहीं है। लगा तो शरीर की होती है। नहीं, शरीर की नहीं होती है, वो परफ्यूम की गंध आती है। कभी किसी को परफ्यूम की गंध आई तो क्या कहता है? तूने परफ्यूम लगाया, कैसा लगाया? तो वो गंध किसकी है? परफ्यूम की है, शरीर की नहीं है। शरीर की कैसी होती है? शरीर की अपनी एक स्वाभाविक गंध है, आप कुछ मत लगाओ, फिर भी कुत्ता आपकी सुगंध को पहचान लेता है, हम भले नहीं पहचाने। हर एक शरीर की अपनी अपनी एक गंध होती है, किसी की अच्छी होती है किसी की बुरी भी होती है, स्वाभाविक, क्योंकि ये क्या है? मूर्तिक पदार्थ है खोद कर। अच्छा, इसका कोई वर्ण है? वर्ण है ना, है वर्ण, किसी का गोरा होता है किसी का काला होता है किसी का सफेद होता है किसी का क्या होता है, ऐसा वर्ण। इसका मतलब ये शरीर क्या है? मूर्तिक। चलो, ये माइक है, ये माइक मूर्तिक है क्या अमूर्तिक है? क्यों? इसका स्पर्श है, कैसा स्पर्श है? कठोर, कठोर भी स्पर्श होता है। इसका रस कैसा है? खा के देखो, चबा के देखो, तुरंत पता पड़ जाएगा आपको, कोई ना कोई तो रस है इसका। गंध है इसकी, कुछ न कुछ गंध होती है, और कुछ न कुछ इसका वर्ण है, कुछ न कुछ कर। इसका अर्थ ये है कि हमको आंखों से जो जो दिखता है वो सभी मूर्तिक है कि नहीं? आप आंख से कुछ भी देख लो वो मूर्तिक है, क्योंकि आंख किसको विषय बनाती है? जिसका कोई ना कोई वर्ण हो उसी को आंख विषय बना सकती है, नहीं तो विषय बना ही नहीं सकती, क्योंकि आपका विषय क्या है? वर्ण है।
तो क्या आंख से जो दिखते हैं वो ही मूर्ति है अथवा और भी कोई पदार्थ है ऐसे जो आंख से नहीं दिखते हैं फिर भी उसमें स्पर्श रस गंध और वर्ण हो सकते हैं ऐसे कोई पदार्थ का नाम बता सकते? वायु। वायु, वेरी गुड। अच्छा, वायु में स्पर्श कैसा होता है? ठंडा भी हो सकता है, गर्म भी हो सकता है, वेरी गुड। और वायु में रस स्वाद पता नहीं है पर होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो भी जिन परमाणुओं से ये बना हुआ है ना उन्हीं छोटे छोटे परमाणुओं से बना है, हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। और उसमें भी गंध होती है कि नहीं होती है? हवा में गंध भी होती है। और उसमें भी वर्ण होता है कि नहीं होता? हम देख नहीं सकते उसको, परंतु वो भी इन पुद्गलों से बनी हुई है, जड़ से बनी हुई है, इसलिए उनमें भी वो होती है, कुछ दिखती है कुछ नहीं दिखती। अच्छा, और कोई पदार्थ ऐसा है जो दिखता नहीं है परंतु वो भी मूर्तिक है? वेरी गुड। क्या बताया आपने? खुशबू। खुशबू का मतलब गंध। आपको दिखती है गंध? किसी ने गंध को देखा, दुर्गंध को देखा, सुगंध को देखा? नहीं देखा, पर हम क्या कर सकते हैं उसको फील कर सकते हैं। कौन सी इंद्रिय से फील कर सकते हैं? घ्रणेंद्र। इसका मतलब जो इंद्रिय से हम फील कर सकते हैं वो सारा सारा मूर्ति। आंखों से, दर्शनेन्द्रिय से जो जो देखते हैं वो भी मूर्ति है। और कानों से जो सुन सकते हैं, शब्द होता है ना वो कानों से सुन सकते हैं वो भी मूर्ति है। जो जीभ से चख सकते हैं वो सारे सारे मूर्ति हैं। नाक से जो भी सुगंध अथवा दुर्गंध ले सकते हैं वो भी सारे सारे मूर्ति है। अर्थात इंद्रियों से जो जो भी हम ग्रहण कर सकते हैं पांचों इंद्रियों से वो सारा का सारा मूर्ति है। अच्छा, कोई ऐसा पदार्थ ऐसा भी है कि हम इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं तो भी वो मूर्ति है? ऐसे किसी पदार्थ का नाम बता सकते हो कि इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते तो भी वो मूर्ति? हाँ, अभी आप उसमें क्वालिफाई नहीं है उत्तर देने में। हाँ, ऐसा कोई पदार्थ कौन बता सकता है कि जो पांचों इंद्रियों से हम ग्रहण नहीं कर सकते हैं? अभी जितेंद्र जी नहीं बताएंगे आपको, इस बहनों में से कोई ऐसा पदार्थ का नाम बताओ जो इन पांचों इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते हैं परंतु फिर भी वो मूर्तिक है। हाँ, कर्म। वेरी गुड। कर्म किसने देखा? कर्म दिखता नहीं है। कर्म को किसने स्वाद लिया? कर्म का स्वाद किसने लिया? नहीं है। कर्म का कोई रस लिया? रस नहीं लिया। कर्म की कोई गंध होती है? गंध नहीं होती है। और कर्म का कोई वर्ण होता है? देखा आपने? नहीं देखा। परंतु ये सब होते हैं, ये सारी सारी ये चारों चीजें कर्म में होती है। कर्म है वो पुद्गल है, यहाँ पुद्गल शब्द अलग से लेना पड़ता है। पुद्गल का अर्थ होता है कि ऐसे जड़ भौतिक परमाणु होता है ना, उस परमाणु से जो बना होता है, अचेतन जो पदार्थ होते हैं उसमें जो छोटे छोटे परमाणु से बना होता है उसको पुद्गल कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये विशेषता होती है। तो हमारे अंदर ऐसे छोटे छोटे ऐसे पुद्गल हैं कि जो आंखों से भी नहीं दिख सकते हैं, उसको हम घ्राणेन्द्रिय से भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, कर्णेन्द्रिय से नहीं कर सकते हैं, परंतु फिर भी वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाले हैं। अगर विशेष ज्ञान हमारे पास हो तो उस विशेष ज्ञान से हम उनको देख सकते हैं। इसलिए जो केवल ज्ञानी भगवान होते हैं अथवा विशिष्ट कोई अवधि ज्ञानी वगैरह होते हैं वो उनको देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जगत में ऐसे पदार्थ जो मूर्तिक है, इन सभी पदार्थों से रहित स्पर्श से रस से गंध से और वर्ण, इन सबसे रहित होता है वो अमूर्तिक कहलाता है। और अपना आत्मा है वो अमूर्तिक है, क्योंकि इसमें आठ प्रकार के स्पर्श में से कोई नहीं। किसकी आत्मा ठंडी है भाई? किसी का आत्मा ठंडा है, किसी का आत्मा गर्म है, किसी का आत्मा हल्का है, किसी का आत्मा भारी है, किसी का आत्मा कठोर है, किसी का आत्मा मुलायम, ऐसा कोई है? ये सब तो क्या है, शरीर वगैरह अन्य चीजें। आत्मा में ठंडा गर्म इत्यादि होता नहीं है। आत्मा कैसा है? दूसरा नंबर, जब भी आत्मा ऐसा शब्द आए ना तो तुरंत अपने जहन में अपने दिमाग में क्या शब्द आ जाना चाहिए? चैतन्य। जो सहज
जानने देखने का काम करता है, शांति और आनंद का काम करता है, वो चैतन्य है, वो चैतन्य है, उसमें ये चीजें नहीं होती, इसलिए ये अमूर्ति है। तो आत्मा कैसा है? अब आत्मा का ज्ञान करना है तो कैसे करेंगे? आंख से करेंगे, कान से करेंगे, स्वाद लेके करेंगे, सूंघ के करेंगे, कि कैसे करेंगे हम आत्मा का ज्ञान? भावों से। वेरी गुड। क्योंकि आत्मा इंद्रियों का विषय तो है नहीं, वो उसमें न स्पर्श है, न रस है, न गंध है, न वर्ण है, न शब्द है, कुछ भी ये है नहीं, तो उसका ज्ञान करना तो कैसे करना अपना? तो उन्होंने कहा एक शब्द दिया भाव। भाव का मतलब अपन उसको दूसरा शब्द देंगे फीलिंग। फीलिंग मतलब भावना, अनुभव, और उसको दूसरा शब्द देंगे अनुभव। तो अपन उसको अनुभव के द्वारा ही जान सकते हैं। अनुभव ऐसी वस्तु है, जैसे बहुत से गुण होते वो मूर्तिक होते हैं और बहुत से गुण होते वो अमूर्तिक होते हैं। तो आत्मा के जितने जितने भी गुण हैं ना, जैसे इस पुस्तक के भी बहुत सारे गुण होते हैं, ये लाल है, इसके सफ़ेद पन्ने हैं, इसमें ये है वो है, बहुत सारे ऐसे आत्मा में भी बहुत से गुण हैं, पर वो सारे गुण कैसे हैं वो भी अमूर्तिक है, क्योंकि आत्मा और वो गुण अलग अलग नहीं है, उन सबका जो समूह है उसी का नाम आत्मा कहते हैं। जैसे आपने आत्मा के गुण को लिया क्षमा, अच्छा अब आपको क्षमा को जानना है, कैसे जानोगे? इनके अंदर क्षमा है, इनके अंदर क्षमा नहीं है, मेरे अंदर अभी क्षमा चल रही है और मेरे अंदर अभी क्रोध के भाव चल रहे हैं, वो कैसे जानोगे? अपने पास कोई ऐसा मापदंड है जानने के लिए? मेरे अंदर अभी शांति है और मेरे अंदर अभी क्रोध चल रहा है, ऐसा अपने को जानना है तो कैसे जानना? कोई माइक्रोस्कोप लाएंगे उसको देखने के लिए, अथवा कोई ऐसा क्या है उपाय अपने पास? हाँ, कैसे जानेंगे तन्मय? चेहरे से हो, मुझे चेहरे से जान लिया, ये तो दूसरों की, पर अगर आपको आपकी क्षमा भाव है, क्रोध भाव है, जानना तो कैसे जानोगे? अपने अंदर क्या चल रहा है, प्रेम चल रहा है, क्षमा चल रही है, क्रोध चल रहा है, ये सब जानना है अपने को, कैसे जानोगे? हाँ वो याद बंद करके बैठेंगे, हाँ बताओ, अभी अनुभव कर रहे हो ना? आपके अंदर प्रेम चल रहा है अथवा किसी के प्रति क्रोध चल रहा है, तो वो जानना है तो कैसे जानोगे? अपने अंदर का, दूसरे के अंदर नहीं। हाँ, स्वभाव से। स्वभाव मतलब जानना तो कुछ हो नेचुरली, कैसे जाने? झांकने, झांकना मतलब सीधी सी बात है ना, अनुभव से जानेंगे, किससे जानेंगे? क्योंकि उसके पास स्पर्श नहीं है, रस नहीं है। अच्छा, क्षमा का कोई स्पर्श है? क्षमा ठंडा अथवा क्षमा गर्म, कैसे? क्षमा का कोई रस है? नहीं। क्षमा का कोई वर्ण है? कोई नहीं। अच्छा, प्रेम का कोई रस है? प्रेम का कोई वर्ण है? प्रेम का कोई स्पर्श है? ये कैसे, ये इसको हम फील कर सकते हैं? मुझे मेरी माँ के प्रति प्रेम है तो मैं कहीं बता कैसे बताऊं? तो केवल मैं फील कर सकता हूँ मेरे अंदर कि मुझे आपके प्रति प्रेम है अथवा आपके प्रति घृणा है। तो आत्मा केवल अनुभव का विषय है, किसका विषय है, और वो भी हम अपने आप से ही अनुभव कर सकते हैं, हमारा कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा केवल अनुमान लगा सकता है, और अनुमान सही हो सके कोई जरूरी थोड़ी है। मैं अभी ऐसे करके बैठ जाऊं, एकदम आंख बंद करके शांत से, अब आप सब क्या अनुमान लगाओगे? ओहो, ये कितने शांत है, समाधि में चले गए, परमात्मा का साक्षात्कार कर रहे, और मैं अंदर कोई पिक्चर की कल्पना कर रहा हूं, तो भोजन करने की कल्पना कर रहा हूं, तो आपको कैसे पता पड़ेगा? वो आप नहीं जान सकते अंदर, इसलिए सब कुछ चेहरे से पता पड़ता है, ऐसा तो है नहीं, कोई बनावटी चेहरे बनाते हैं, अरे दुनिया में तो सब बनावटी चेहरे ही बनाते हैं ज्यादातर, इसलिए मैं क्या हूं वो मैं ही जान सकता और कोई नहीं जान सकता, अपना अनुभव केवल हम कर सकते हैं और कोई कर सकता नहीं है, इसलिए आत्मा अमूर्तिक है और केवल स्व संवेदन गम्य है,
अनुभव गम्य है, स्व संवेदन गम्य है और कोई वस्तु उसका अनुभव कर सकते नहीं है। चलो पांचवा क्लियर हो गया, आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है। अब छठा, आत्मा शरीर बराबर है। किस बराबर है? अभी तक हमारे अंदर बहुत कल्पनाएं होगी सबके अंदर आत्मा के विषय में। कोई कोई ऐसा मानते हैं आत्मा यहाँ रहता है, यहाँ भ्रगुटी के बीच में एक तेज होता है, दीपक की तरह लो जलती है और वो आत्मा है। कोई ऐसा मानता है आत्मा हृदय में रहता है, यहाँ ऐसा ओमकार होता है और वहाँ आत्मा रहता है। कोई ऐसा मानता है कि यहाँ एक सूर्य चक्र है, वहाँ पर आत्मा रहता है। कोई ऐसा मानता है कि यहाँ नाभि है, वहाँ पर आत्मा रहता है। कोई ऐसा मानता है कि ये ऊपर ब्रह्मरंध्र है ना, वहाँ पर आत्मा रहता है। ऐसे जगत में अलग अलग प्रकार के ऐसे ऐसे विचार हैं, आत्मा कहाँ रहता है, उस शरीर में ही कहाँ रहता है उसका। और कोई कोई तो ऐसा मानता है कि मैं सब जगह रहता हूँ। कोई कोई का ऐसा भी विचार है कि जैसे मैं हूँ ना अभी, तो मैं सर्वत्र हूँ, आपके अंदर भी हूँ, इसके अंदर भी हूँ, इसके अंदर भी, उसके अंदर भी, उसके अंदर भी, सबके अंदर मैं हूँ और मैं पूरे ब्रह्मांड में हूँ। हो सकता हूँ कण कण में हूँ कि नहीं मैं? हाँ, अपन तो बोलते ही हैं कण कण में होते हैं। तो कण कण में अलग अलग आत्माएं हो सकती है, एक कण कण में सारी आत्मा, एक कण कण में हो सकती, सभी कण कण में हो सकता। हम शरीर के बराबर होते हैं, जितना अपना शरीर होता है हमारा आत्मा उतना फैल करके रहता है। इसलिए पता चलता है कि जहां जहां भी हमारे कुछ संवेदन होता है ना, आप ऐसे करो तो जहां जहां भी आपका कुछ भी संवेदन होता है ना, इसका अर्थ समझ जाना कि वहां अपने आत्मा के प्रदेश हैं, क्योंकि वहां संवेदना हो रही है। क्योंकि जहां जहां ज्ञान करने वाला है वो आत्मा है, चैतन्य मतलब ज्ञान करने वाला, संवेदन करने वाला, उसी को आत्मा कहते हैं। और संवेदन हमको सारे शरीर में होता है, ऐसा नहीं है कि वो एक ही जगह होता है, संवेदन करने वाला दिमाग ही और बाकी सब तो उसको हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं, सब जगह संवेदन होता है। इसलिए आत्मा पूरे शरीर के बराबर है और संपूर्ण शरीर में व्याप्त है। और ये इसका स्वभाव ऐसा है कि ये जिस शरीर में जाता है ना उसके आकार का हो जाता है। जैसे पानी है तो आप पानी को लोटे में डालो तो लोटे जितना हो जाएगा आकार, ऐसा ग्लास में डालो तो ग्लास के आकार का हो जाता है, मटके में डालो तो मटके का आकार हो जाता है, ऐसे थाली में डालो तो थाली के आकार का हो जाता है, ऐसे अलग अलग आकार का हो जाता है। वैसा यह आत्मा भी जिस जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का हो जाता है। यही आत्मा जब हाथी के शरीर में जाएगा तो यह हाथी के आकार का हो जाएगा, उसके सारे शरीर में फैल करके रहेगा। यही आत्मा जब चींटी के शरीर में जाएगा तो चींटी के आकार का होकर रहेगा। यही आत्मा जब बंदर के शरीर में जाएगा तो बंदर के आकार का होकर के रहेगा। ऐसे जिस जिस पे जाता है उस आकार रूप ये आत्मा हो जाता है। इसलिए कभी भी शरीर के बाहर ये आत्मा नहीं जाता है, शरीर रूप होकर के रहता है। किसी को पूछना है? जब शरीर से कोई अंग अलग हो जाए तब? शरीर से कोई अंग अलग हो जाता है तो उस अंग से अपना आत्मा, जितना शरीर है ना वहां वहां होगा उस अंग में आत्मा। जैसे ये उंगली कट गई आपकी तो यहाँ से अपने आत्म प्रदेश अब निकल जाएंगे। अब यहाँ के जो आत्म प्रदेश थे वो अंदर आ जाए, सीधी सच बात। तो वो जो आत्म प्रदेश निकले वो आत्मा के ही है, वो वापस प्रवेश कर जाएंगे उस शरीर, मतलब उस शरीर में वापस का ही तो अपने ही शरीर में है ना। नहीं, तो वो अंग तो अलग हो गया ना। हाँ, तो ये अंग अलग हो गया, अब ये शरीर का अंग रहा ही नहीं, संकोच है जैसे। हाँ, तो संकोच विस्तार लक्षण होता है ना आपका शरीर में, वो आत्मा जितना आपका शरीर रहेगा ना उतना ही होकर के रह जाएगा। अगर आपका शरीर कम होगा तो वो भी कम हो जाएगा, और आपका शरीर फैलेगा तो वो भी फैलेगा। गर्भ में अपन होते हैं तो शरीर छोटा होता कि नहीं होता है, तो आत्मा उतना ही रहता है। फिर जैसे जैसे हम बचपन बड़े होते जाते हैं तो उसके प्रदेश भी अपने शरीर के आकार के होते जाते हैं, और जब बहुत लंबे हो जाते हैं तो वो भी उस आकार के हो जाते हैं। फिर बड़े होने के बाद कोई अपना हाथ काट दे यहाँ, तो अब ये तो अपने शरीर का अंग रहा ही नहीं ना हाथ, तो यहाँ के प्रदेश थे वो अपने आप वापस इस शरीर में, जो मूल शरीर बचा उस मूल शरीर में संकुचित हो जाते हैं, ऐसा उसका स्वभाव है। बाकी इसमें रहेंगे तो अपना आत्मा थोड़ा उधर बैठा है ऐसा नहीं है कि उस हाथ को काट डालो
दो हाथ काट दिए मैंने, एक आत्मा मैंने उस आलिया में रखा है, एक आत्मा उस आलिया में रखा है और मैं यहाँ बैठा हूँ, ऐसा नहीं है, इनमें से चला गया वो तो सारा। अभी धड़ की बात आई, कल्ला जी को बात करी थी ना अभी कि उसका धड़ अलग हो गया और वो शरीर चलता है तो क्या है कि अरे सॉरी धड़ और सिर और दोनों अलग हो गए तो वो उसके क्या चल रहा था, आत्मा कहाँ था उस समय जो तलवार चल रही थी वहां, उस सिर में नहीं था, धड़ में था। जैसे छिपकली है उसकी पूछ अपन छूते हैं तुरंत कट जाती है उसकी पूछ, तो वो थोड़ी देर ऐसे ऐसे करती है, वो तो पूर्व प्रयोग से करती है कि वो हिलने डुलने का, आत्मा वास्तव में उसमें नहीं है, आत्मा तो जिस समय वो कटा उस समय शेष शरीर में आ गया संकुचित होकर, और बाकी जो पूछ थी वो थोड़ी देर ऐसे हिलती डुलती रहती है पर उसमें जीव नहीं है, वो तो एक संस्कार वश ऐसा हो जाता है। ऐसा ही भैया जी ये सिर कट जाता है तो धड़ के साथ भी ऐसा ही नहीं बन सकते, कुंभार का चाक होता है तो पूर्व प्रयोग ऐसे वो लकड़ी उठा लेते तो भी वो घूमता रहता है वैसे। ऐसा है जब तक उनके शरीर में प्राण है तब तक हम ऐसा नहीं मान सकते, और अगर प्राण उनके वो मर गए होंगे, सिर काट दिया और तुरंत मर गए और उनके प्राण पखेरु उड़ गए तो वो धड़ भी क्या करेगा, वो धड़ तुरंत गिर जाएगा उसके, पर प्राण बचे हो तो ही वो इतना कर सकता है। 1 किलोमीटर चल करके जो जाना, अभी कल्ला जी के बारे में आया तो भी चित्तौड़ जाना, ये चित्तौड़ में ये लगा हुआ है, चित्तौड़ में वहां से वहां तक वो सारा बनाया हो उनका, तो आत्मा नहीं बचे तो शरीर को पूरा गर्दन उड़ा दे तो कितनी देर रुकेगा बता, वो थोड़ी देर में आत्मा निकल जाएगा, पर उनके प्राण गए नहीं थे इसलिए तो लड़ सकते हैं ना, वो शरीर से नहीं लड़ रहे थे, पूरी आत्मा से लड़ रहे थे, वो आत्मा की शक्ति के कारण से हो रहा था। प्राण इतनी देर बच के रहते उसको कोई दिक्कत नहीं है, पर प्राण निकल जाए और घंटों भर व्यक्ति नहीं लड़ सकता, 1-2 सेकंड शरीर थोड़ा थोड़ा यूं होता है, प्राण ऐसे 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 करके तुरंत गिर जाता है, ज्यादा देर नहीं लग सकता। चलो तो आत्मा के विषय में, शरीर कैसा है, आत्मा का आकार क्या है, वैसे अगर ये आत्मा फैल जाए तो इसमें इतनी शक्ति है कि वो संपूर्ण 3 लोक के बराबर हो सकता है ये पूरा फैल जाए तो, परंतु ये हमेशा जिस शरीर में जाता है उस शरीर के आकार का ही हो जाता है। जैसे हम अभी मानव शरीर में, अब यहाँ से दूसरे शरीर में जाएंगे तो ऑटोमेटिक वो दूसरे शरीर में, यहाँ से वो दूसरे शरीर में जैसे किसी भी गर्भ में अथवा किसी में प्रवेश कर जाएगा और वो फिर वहाँ से धीमे धीमे वो जैसे शरीर बढ़ेगा ना वैसे वैसे ये आत्मा भी ऐसे ऐसे बढ़ने लगता है। तो ये आत्मा हम बहुत बार ऐसा कहते हैं ना मैं आत्मा सब जगह फैला हुआ है, इस ब्रह्मांड में फैला हुआ, तो भाई आप कहीं ब्रह्मांड में फैले हुए नहीं हो, नहीं तो कोई ब्रह्मांड में थप्पड़ मारे तो आपको भी पड़े पड़ेगी नहीं पड़े क्यों, अगर मैं आपके अंदर हूँ ठीक है और मैं इसको इनको थप्पड़ मारूं वो थप्पड़ मुझे लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि फील करने वाला है ना, जहां जहां भी फीलिंग होती है वही आत्मा है, और इनको थप्पड़ मारो और मुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा उसका तो मैं कैसे कह सकता हूँ मेरा आत्मा उनमें है, कैसे कह सकता हूँ मैं, इसका मतलब मेरा आत्मा उनमें नहीं है क्योंकि उनको ही फील होती है, वेदना का जहां वेदन होता है वहीं पर आत्मा होता है। हाँ कोई प्रश्न है इसकी, एक प्रश्न है, हम अपने वांगड़े में कभी कभी किसी और की आत्मा किसी और के अंदर आ जाती है, तो वो पूरे भारत में आती है वांगड़े में ही नहीं आते, पूरे भारत में आ जाते भूत, उसमें सत्य क्या है, भूत के बाद भूत का नाम सुना ना भूत प्रेत, तो वास्तव में वो क्या होता है, भूत क्या होता है, तो मैं आपको भूत का सत्य 2 मिनट में बताऊंगा क्योंकि अपना विषय नहीं है ये, भूत का मतलब वो नीची जाति के वेंतर आदि देव होते हैं जो पूर्व में हमारे परिवार अथवा हमारे कहीं थे जिनके साथ हमने क्लेश किया था, तो अब किसी कारण से वो देव गति में चले गए, वो नीची जाति के वेंतर आदि देव होते हैं, उनमें ऐसी विक्रिया करके अपना सूक्ष्म शरीर बना करके किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और फिर उसके मन को प्रभावित करते हैं, फिर वो जैसा करवाता वैसा करते हैं, हिप्नोटिस के नाम सुना है ना, वो उसको हाँ सम्मोहित कर देते हैं, फिर वो जैसे बुलाएगा वही बोलेगा, वो जैसे कराएगा वही करेंगे। अभी तो व्यक्ति 4 रोटी खाता था, अब वो कहेगा तू 10 रोटी का 10 रोटी खाएगा, 25 रोटी का 25 रोटी खाएगा, वो कहेगा पेड़ पे चढ़ जा, पेड़ पे चढ़ जाएगा वो, ये ऐसा वो शक्ति उसमें वो सम्मोहित करके वो कर सकते हैं, ये वेंतर देवों का कमाल है,
कोई आत्मा नहीं जाती है, वो भी केवल आत्मा कोई स्वतंत्र रह ही नहीं सकता है। आत्मा अगर केवल आत्मा रहे शरीर के बिना तो मोक्ष चला जाए। एक क्षण भी किसी का आत्मा शरीर के बिना रहता नहीं है संसार में, बाकी वो सिद्ध हो जाता है। अब वो सिद्ध होकर के कहाँ जाता है तो अब इसको घुमाओ, इसकी अपन चर्चा करेंगे थोड़ा। तो वो सूक्ष्म शरीर होते हैं, पांच प्रकार के शरीर होते हैं, उसमें सूक्ष्म अलग अलग प्रकार के शरीर। एक शरीर में दो आत्मा नहीं है, अपने ही शरीर में अनंत आत्मा, अनंत शरीर वाले प्राणी, अपने इसी शरीर में छोटे 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 प्राणी कितने हैं, अनंत हैं, जिसको गिन ही नहीं सकते, पर सबका तो अपना शरीर है। वो तो अपना दो आत्मा एक शरीर में, तो वो केवल आत्मा प्रवेश नहीं करती, वो उसके शरीर का ही नहीं, पर वो सूक्ष्म शरीर से वो देव प्रवेश कर रहा है सूक्ष्म शरीर बनाकर ऐसा, और फिर वो अपने हिसाब से कराता है। और वो अंदर प्रवेश भी नहीं करे ना तो भी सामना खड़ा खड़ा भी करा सकता है, प्रवेश करने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ सामने खड़ा है और अदृश्य रूप से देव रहते हैं उनका शरीर, और वो जैसे नाटक करवाता है ना वैसे वो कर लेता है। ऐसे मैंने भी अपने आंखों से देखा है, तो गांव घूमते थे, ऐसे बहुत से होते हैं अलग अलग प्रकार के, पर इनसे कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। आप उसको धमकाओ ना, डंडा दिखाओ ना, तुरंत भाग जाएगा वो देव, डंडा दिखाना पड़ता है। इसलिए जो माँ अब भोपो के पास, वो बाबो के पास ले जाते हैं ना, बाबो के पास वो क्या करते पता है, जिसके शरीर में उसको पीटते हैं अच्छी तरह से, डंडों से पीटते हैं। कुछ किसी को भी प्रयोग कर, कपिल भैया पूछ लेना वो यहाँ पर साधना करने के लिए आए तो उनके मम्मी पापा को यूँ लगा कि इसको कोई भूत लग गया है, इंजीनियर कर दी और वो कमाने गया था, ये करने गया था, और क्या मालूम वहाँ किसी ने जादू मंत्र कर दिया है, तो किसी खाने में कुछ मिला दिया है, अथवा कोई भूत चढ़ गया, तो उसको किसी बावे के पास ले गए, तो वो बावे ने उनको बहुत पीटा, पूछ लेना उनको, ये उनका मतलब साक्षात्कार किया हुआ है इसका। पीटे ने वागे कौन है, लगता तो इनको ही है, हाँ लगता तो इन्हीं को, पर वो बावे को भ्रम है कि इनके अंदर कुछ घुस गया है, कुछ था तो नहीं, उसको तो अपना काम करना पड़ता है, पर वास्तव में किसी के अंदर घुस जाता है ना उसको पीटते हैं तो वो डर के भाग जाता है ऐसा, वो डरपोक होते हैं। चलो इन बातों पे बहुत अधिक रस देने की आवश्यकता नहीं, आज अपना दूसरा विषय चलते हैं। ये जीव का स्वरूप उन्होंने जान लिया, छह प्रकार से जीव का स्वरूप होता है, अब अपने दुनिया का स्वरूप जानेंगे, और फिर जीव से शिव कैसे बनते हैं जगदीश, उसका स्वरूप भी अपन जानेंगे। अब अपने पास 15 मिनट है, इसमें थोड़ा सामान्य आउटलाइन दिखा देते हैं इसको। सबसे पहले तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी, ये संसार है, इस संसार को बनाया किसने, कौन उत्तर देगा भाई? हाँ चित्र बाद में अपने रहेगा, अभी अपने सुनो कि संसार को बनाया किसने, हाँ आप बोल रहे थे कुछ, हाँ ईश्वर, वेरी गुड, और आप बोल रहे थे कुछ, किसी ने मैंने अपना बन जाता ऐसे ही था, अनादि अनंत। अच्छा कोई ऐसे पदार्थ का नाम बता सकते हो कि जो बनाना नहीं पड़ता अपना बन जाता है, ऐसा कोई पदार्थ बनाओ तो जिसको किसी ने नहीं बनाया अपना बन गया, ऐसे किसी पदार्थ को बना, कौन सा, पानी, वेरी गुड, और हवा, और अग्नि, और हाँ बोलो बोलो आप कुछ बोल रहे हो, मिट्टी, और आकाश, और पत्थर, और पंच तत्व, और आत्मा, और स्वभाव, और गुस्सा, और ना मिल जाता है गुस्सा, और इसका मतलब आपने सब पदार्थ बता दिए, इसका मतलब सभी पदार्थ ही ऑटोमेटिक हैं, तो फिर हम ऐसा क्यों कहते हैं कि भगवान ने बनाया, भगवान को कहां बनाने की आवश्यकता पड़ी ये बताओ। जब कोई वस्तु ऑटोमेटिक बन जाती है तो बनाने की क्या आवश्यकता है, बनाने की कोई आवश्यकता है, ये सब ऑटोमेटिक है। तो इसका मतलब ये समझ लेना कि ये संसार है वो ये लोक है,
वो अनादि काल से इस प्रकार का है और अनंत काल तक इस प्रकार का रहेगा, वो उसको किसी ने बनाया नहीं है। बस वो क्या है कि वो अंदर ही अंदर 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 उसकी अवस्थाओं का परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हमने, हमारे ऋषियों ने तीन प्रकार के देवताओं की कल्पना करी, एक ब्रह्मा, एक विष्णु और एक शिव। ये कल्पना कैसे करी इन्होंने कि ये तत्व के आधार पर, एक ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और विष्णु जी क्या करते हैं, पालन करते हैं, और शिव जी क्या करते हैं, संहार करते हैं। अब फिर भी अपन उनको भगवान कहते हैं, हम सबको मार देते हैं तो भी हमारे लिए वो भगवान है। तो देखो अब इस इन तत्वों को समझना, ये समझाने के लिए तत्व है कि प्रत्येक पदार्थ है, उस प्रत्येक पदार्थ में ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और शिव भी है। बस समझ में आ रही है, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ की अवस्था की उत्पत्ति होती है, प्रत्येक पदार्थ की अवस्था की उत्पत्ति होती है। जैसे अभी हम मनुष्य है ना, तो इस मनुष्य अवस्था की उत्पत्ति हुई, फिर हम मनुष्य से मान लो हम देवलोक में जाए तो देवलोक की अवस्था की उत्पत्ति हुई, फिर हम वहां से निकल करके कहीं और गए तो फिर तीसरी अवस्था की उत्पत्ति हुई। ये जो अवस्था की उत्पत्ति है वो कौन करता है, ये हमारे अंदर का ब्रह्मा करता है। ब्रह्मा मतलब आत्मा, हमारे अंदर का जो आत्मा, हम ही कर्म ग्रहण करते हैं, भाव करते हैं और उसके अनुरूप गति बनती है हमारी। तो हमने अपने ही अवस्था का निर्माण कर दिया, ये तो नाम है हमारा ब्रह्मा। और विष्णु क्या है कि नई जो अवस्था बन रही है उसकी, और पहले वाली जो अवस्था है अपने आप को हमेशा बना करके रखता है, एक अवस्था और अवस्था को बनाने वाला दोनों है, उनको मेंटेन करके रखता है हमेशा, वो कभी भी हम नष्ट नहीं होने देता अपने आप को। पालन करने वाले को विष्णु कहते हैं ना, पर जो सबका पालन करता है वो विष्णु कहलाता है, मतलब किसी का नाश नहीं होने देता, रक्षण करता है अपना। तो हम मनुष्य हो के देव हो के घोड़े हो बकरी हो अथवा नरक में हो, परंतु हम कभी, हमारा आत्मा कभी नष्ट नहीं होता। वो जो नष्ट नहीं होने देता वो कौन है, हमारे अंदर का विष्णु तत्व, वो कभी भी हमको नाश नहीं होने देता है। उसको हम ध्रुव कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्रुव, और उसी को विष्णु कहते हैं। और ब्रह्मा को हम उत्पाद कहते हैं, क्या कहते हैं, उत्पत्ति करने वाला कहते हैं। और शिव क्या करता है फिर, अपनी एक अवस्था थी, अभी हम मनुष्य, अब दूसरी अवस्था हो जाएगी तो इस अवस्था का नाश हो जाएगा। ये नाश भी कौन कर रहा है, अपने अंदर का बैठा हुआ शिव, वो अब दूसरी अवस्था में जाना है भाई, तो इस अवस्था का काम खत्म हो गया, अब उसको नष्ट करो, वो भी जीव कर रहा है। इसका मतलब ये है कि इसी जीव में, मतलब हमारे अंदर भी ही ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। ये तो सामान्य लोगों को समझाने के लिए ऐसा कहते हैं कि शिव जी कैलाश पर्वत पे रहते हैं, तो विष्णु जी कहाँ रहते हैं, वैकुंठ में रहते हैं, और ब्रह्मा जी कहाँ रहते हैं, वो ऊपर स्वर्ग लोक में रहते हैं। तो अपना शरीर ही ये है, ये हमारा नाभि है, वो वैकुंठ है, क्या है, ये वैकुंठ लोक कहलाता है, ये हमारा वो क्या है, ये कैलाश पर्वत है यहाँ का, ओ और ब्रह्मा तो सब जगह व्याप्त ही है। मतलब ये शरीर या आत्मा शरीर प्रमाण है, इसी में ब्रह्मा विष्णु यही अपनी उत्पत्ति करता है, यही अपने को बनाए रखता है और यही अपना अलग अलग अवस्थाओं का नाश करता है। ऐसे ही जितना पूरा लोक है ना, उस लोक में जितने भी पदार्थ है जड़ चेतन, वो सब अनादि काल से है, अनंत काल तक रहेंगे, बस अलग अलग अवस्थाओं में परिवर्तित होते रहे, और उनको परिवर्तन कोई कराता नहीं है, वो अपनी ही योग्यता से बदलते रहते। कभी यही टेबल है, वो यही टेबल कभी पानी के परमाणु के रूप में हो जाएगा, कभी हवा के परमाणु के रूप में, पुद्गल है वो हमेशा पुद्गल रूप में रहेगा, और जीव है वो हमेशा जीव रूप में अलग 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 परिवर्तित होता रहता है। पर जीव कभी जड़ नहीं हो जाता है, जड़ कभी जीव नहीं हो जाता है, चेतन कभी जड़ नहीं होता है, जड़ कभी चेतन नहीं होता है, वो अपनी अपनी मर्यादा है, अपने स्वधर्म को कोई छोड़ता नहीं है। तो अब अपन श्लोक को समझ, आपको कुछ प्रश्न, जब शिव
शरीर को नष्ट करता है तो यमराज क्या करता है? ये छोटे बच्चों को समझाने के लिए बहुत सारी कल्पनाएं कर रखी कि हम मर जाते हैं, फिर दो काले काले आते हैं यमदूत, और फिर अपने को उठा करके ले जाते हैं, फिर वो कहाँ ले जाएंगे? चित्रगुप्त वहाँ बैठा हुआ है, उसके पास चौपड़ा है ऐसा, और उस चौपड़े में भी हिसाब किताब है, आपने इतने पाप कर्म किए हैं, इतने पुण्य कर्म किए हैं, चलो आपने पाप इतने पाप कर्म किए, चलो नरक में जाओ, और वो कहे कि पुण्य कर्म किए हैं, चलो ऐसा किसी को फुर्सत नहीं है। किसी को फुर्सत है क्या? यहाँ आप पैसा दे करके मैनेजर को करो तो भी रात को भाग जाता है, सुबह से लगा करके 8 घंटे आप इसको काम कराते हो, उसका दिमाग खप जाता है, और वो सारी दुनिया का कैसे हिसाब किताब रखेगा, वो कैसा करेगा वो, ये तो एक कल्पना कर रखी है मात्र। वो काले काले दूत होते हैं ना, वो हमारा भय है, क्या है वो? हमारा डर है एक प्रकार, ओ मैं मर जाऊंगा, मैं कहाँ जाऊंगा, ये यमदूत के लाते हैं। तो ये कहानियाँ कहते हैं वगैरह, तो ऐसा कुछ नहीं, ये आत्मा जब इस शरीर से अलग होता है तो जैसे इसने भाव किए थे उसके अनुसार तुरंत दूसरे शरीर में अपने आप चला जाए। आत्मा को गति करने के लिए किसी भी पदार्थ की आवश्यकता नहीं, उसको किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं, क्योंकि अमूर्तिक है और गति करना इसका स्वभाव है, कितना भी जा सकता है, फिर ऊपर लोक तक, सिद्ध लोक तक जा सकता है। तो इसकी चिंता नहीं करना, कोई यमदूत नहीं आने वाला है, किसी को किसी को सपने भी आते हैं यमदूत के ऐसे, तो ये सब पिक्चरों की बातें हैं। चलो और कोई प्रश्न कुछ नहीं, तो ये लोक को समझेंगे। ये लोक है, लोक का अर्थ होता है जिसमें जड़ और चेतन पदार्थ देखे जाते हैं, उसको लोक कहते हैं। लोक का मतलब अवलोकन, जिसमें जड़ चेतन पदार्थ देखे जाते हैं, पाए जाते हैं, उसको लोक कहते हैं। ये लोक पुरुष के आकार का बनाया, भी पुरुष ऐसा करके खड़ा रहे ना, इस पुरुष के आकार का लोक है। इसके 3 भाग हैं, एक ऊर्ध्व लोक, एक मध्य लोक और एक अधो लोक। ये सब पढ़ा, सब आपको बराबर दिखाई दे रहा है, वहां से दिखता है बराबर? हाँ, ऊपर नीचे होता है ऐसा, बाद में आप सब उतार लेना, ये तो ऐसा ऐसा रहे, ये सामान्य आपको रचना बताते हैं, बहुत डिटेल में अपन इसको जाएंगे नहीं, पर एक सामान्य अपने को विश्व का स्वरूप पता पड़े। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि भाई कोई कोई ऐसे मॉडर्न आ जाते हैं व्याख्यान करने वाले हैं ऐसे, तो कोई स्वर्ग नहीं है, नहीं कोई नरक नहीं है, नहीं सब यहाँ धरती पर ही है, तो ये बात भी गलत है। ऐसी जगह भी है जिनको हम स्वर्ग कहते हैं, ऐसी जगह भी है जिनको नरक कहते हैं, क्योंकि जैसे ही हम उस प्रकार के भाव करते हैं, कर्म करते हैं, तो हम ऐसी ऐसी जगहों पर जाना पड़ता है। जैसे हम इस जगह पे आए ना, हम मनुष्य लोक में आए, तो हम और खोटे कर्म करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे? तो नीचे, इसलिए देखो सबसे नीचे अधोलोक है। आत्मा जब कर्म के भार से बहुत अधिक दब जाता है तो वो कहाँ जाता है? नीचे की पृथ्वियों में जन्म लेता है। ये पूरा लोक है, उस लोक में 3 भाग किए, उन 3 भागों में मिला करके 8 पृथ्वियां है, ये जो अपनी पृथ्वियां है ना, ऐसी 8 पृथ्वियां है। उसमें देखो पहला ये रत्नप्रभा नाम लिखा है, दिख रहा आपको रत्नप्रभा, दूसरा शर्करा प्रभा, तीसरा बालुका प्रभा, चौथा पंक प्रभा, पांचवा धूम प्रभा, छठा तम प्रभा और सातवा महातम प्रभा। ये 7 पृथ्वियां तो यहाँ है, और एक सबसे ऊपर सिद्ध लोक है, आपने सिद्ध लोक देखा है, वहां पर एक पृथ्वी है, उस बीच में जितना भी स्वर्ग लोक है, या आपने 16 स्वर्ग ऐसा लिखा है, उसके ऊपर ग्रेवेक स्वर्ग ऐसा लिखा है, इसके ऊपर अनुदिश अनुत्तर विमान ऐसा लिखा है, यहाँ सब कोई पृथ्वी नहीं है। अपने यहाँ के जैसे ये पेड़ पौधे नहीं, मिट्टी वगैरह नहीं, ऐसा इस प्रकार का वहां कुछ मिलेगा, वहां सब रत्नों से होता, रत्नों के बने हुए महल बने हुए, ये बने हुए, वहां की रचनाएं अलग प्रकार की होती है, वो आकाश में सारा स्थिर होता है। पृथ्वियां ये 8 ही प्रकार की पृथ्वियां होती है, और ये लोक है वो आकाश में स्थिर है। कहां पर स्थिर है? आकाश में स्थिर है।
वो अपना बैलेंस ऐसा नहीं होगा गिर जाएगा। हम कभी गिरते हैं यहाँ से, जैसे वो अपने वो ग्रह बनाते हैं ना, ये इतना ये इतना पृथ्वी ग्रह ये, तो कभी एक दूसरे से गिरते नहीं, वो सब बैलेंस बनाए हुए हैं। ये तो ऐसे बताया, बाकी ये थ्री डायमेंशनल है, ऐसे ऊपर से नीचे ही ऐसा है ऐसा नहीं, थ्री डायमेंशनल होता है और अलग अलग प्रकार से इसकी रचना होती है। देखो अब अपन नीचे से ऊपर जाएंगे, इसमें से बीच में से चालू करेंगे, ये बीच में लिखा है ये मध्य लोक, ऐसा लिखा है मध्य लोक लिखा है। हम सब मध्य लोक में निवास करते हैं, मध्य लोक में मुख्य रूप से तिर्यंच, तिर्यंच का मतलब होता है पशु, एक इंद्रिय से लगा करके पांच इंद्रिय तक के जितने भी ये पशु पक्षी होते हैं ना, उन सबको तिर्यंच कहते हैं, तिर्यंच ऐसा नाम है उसका। तो और मनुष्य हम ये मध्य लोक में मुख्यता से ये रहते हैं, अच्छा वो यानी चल रहा है पर मुझे टीवी नहीं दिखती इसलिए मैंने, चलो अपन यही रहने दो इसी में, नहीं तो ध्यान डाइवर्ट होगा, क्योंकि अपने को डिटेल में नहीं जाना है, अपने को भी डिटेल में ये इस संसार को खत्म करने के रास्ते पे जाना है अपने को, अपने को इसमें डिटेल में नहीं जाना। हाँ ना, पर वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसलिए यही रहने दो, मुझे यही समझ में आ रहा है। हाँ बस ठीक, बस थोड़ा सेकंड है लेकिन उनको नहीं दिखता। तो ये मध्य लोक है, टीवी बंद कर दो, ये मध्य लोक है जहाँ पर हम रहते हैं। ये बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, देखो मैं क्षेत्र का प्रमाण बताता हूँ कि ये इसको राजू में नापते हैं, रज्जु होता है, एक रज्जु का मतलब कितना होता है, रज्जु का अर्थ रस्सी होता है, रस्सी से नापा जाता है, पर वो रस्सी कितनी लंबी होती है वो बता रहा हूँ मैं, नापने की रस्सी जिसको होती है वो मापदंड है उसका। तो 2000 कोस का एक योजन होता है, 2000 कोस का 3.5 किलोमीटर का एक कोस होता है, 3.5 किलोमीटर का एक कोस होता है, ऐसे 2000 कोस का एक योजन होता है, और ऐसे असंख्यात योजनों का एक रज्जु होता है। असंख्यात किसको कहते हैं, जिसकी गिनती नहीं कर सकते उसकी, उसको असंख्यात कहते हैं, जिसे समुद्र के पानी की बूंदे गिन सकते हो, तो समुद्र के पानी की जितनी बूंदे हैं उसका भी असंख्यात का उस उन बूंदों में उतने का गुणा करो, उतना भी वो असंख्यात है। तो ऐसे असंख्यात योजनों का एक रज्जु होता है, ऐसे ये ऊपर से नीचे 14 राज्यों का होता है ये सारा लोक, और इस लोक के बाहर सारा अलोक आकाश, वो 6 द्रव्य होते हैं वो बताएंगे, उसमें आकाश द्रव्य वो सब जगह व्याप्त है, इस लोक में भी और लोक कर लोक के बाहर भी है। तो इस लोक में आकाश के अलावा 5 पदार्थ रहते हैं, उसमें जीव पदार्थ रहते हैं, उद्गल पदार्थ रहते हैं, जैसे ये पुस्तक वगैरह जड़, ये जितने भी 5 मूर्ति जितने भी हैं वो सब रहते हैं, और 3 पदार्थ और हैं जिनकी अभी हम चर्चा यहाँ नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि अपने को ये समझना है। अब ये मध्य लोक है वो किस पृथ्वी पर है, तो यहाँ देखो लिखा है मध्य लोक के नीचे रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका, ये 7 पृथ्वियाँ लिखी है, ये सातों पृथ्वियाँ पाताल लोक कहते हैं, अधो लोक कहते हैं, ये सब नरक है, क्या है, नरक है, ये यहाँ सब नारकी जीव रहते हैं, जो भी खोटे कर्म करके बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, बहुत हिंसा, बहुत व्यभिचार, बहुत अत्याचार ऐसा करते हैं, वो जीव जब उसका आयु पूरा होता है तो ऑटोमेटिक उस पृथ्वी में जाकर के इनमें से किसी एक पृथ्वी में जाकर के गिर जाता है। ये पृथ्वियां कैसी हैं, तो यहाँ एकदम अंधकार छाया होता है, एक दूसरे को देख भी नहीं सके ऐसा अंधकार छाया होता है, बहुत दुर्गंध होती है यहाँ पर, और
इसकी चार पृथ्वियां होती है ना, चार साढ़े चार पृथ्वियां तक तो बहुत गर्मी है, इतनी गर्मी है कि इसको 1,00,000 डिग्री सेल्सियस तापमान, कितना 1,00,000 डिग्री वाला होता है, अपने तो यहाँ 45 डिग्री हो जाता है, 46 डिग्री हो जाता है तो कैसा हो जाता है अपने को, पर वहाँ तो 1,00,000 नहीं इससे ज़्यादा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि लोहे का गोला होता है, लोहे का गोला, अगर उस लोहे के गोले को इस नरक की किसी पृथ्वी पर ले जाए तो एक क्षण में पिघल जाता है, और लोहे का गोला कितना, 1,000 योजन का, 1,000 योजन का बड़ा गोला बनाओ, अहमदाबाद जितना, अहमदाबाद से भी ज़्यादा, गुजरात जितना लोहे का गोला बनाओ कैसे, और उसको उस नरक की पृथ्वी पर ले जाओ तो वो हम पलक नहीं झपकेंगे उतने में तो वो गल जाता है, उतनी गर्मी यहाँ होती है, तो भी यहाँ का जीव उसको सहन करता है क्योंकि उसके पास ऐसा शरीर है कि उस शरीर से उतनी गर्मी सहन कर सकते हैं। जैसे होता है ना कि जो शीत प्रदेशों में पैदा होते हैं तो उनको अगर 30 डिग्री भी तापमान हो गया ना, 35 डिग्री होगा तो उनको ये लगता है कि बहुत गर्मी हो गई ऐसा, क्योंकि वो पैदा हुए तो उसके अनुकूल हो गए वो सारे के सारे। अब वो व्यक्ति जब यहाँ आ जाता है उसका तापमान 45 डिग्री पे आ जाता है तो मैं नरक में आ गया, क्योंकि उसको सहन शक्ति नहीं है। तो इन जीवों का शरीर ऐसा बन जाता है वो इसको सहन होता नहीं है, परंतु क्या करे, पाप का उदय तो सहन करना पड़ता है। जैसे अपने यहाँ कोई गरीब है बेचारा, तो कोई पैसे वाले हैं वो तो एसी खरीदेगा, 50 डिग्री बढ़ गया तापमान तो क्या एसी में जा करके बैठेगा, पर कोई गरीब है वो क्या करेगा, उसको तो 50 डिग्री तापमान सहन करना उसके। ऐसे यहाँ के लोग ऐसे पापी लोग जाते हैं कि सहन करते हैं इतनी गर्मी, पर नीचे के जो तीन भूमिया ढाई भूमिया होती है वहाँ पर बहुत सर्दी है, इतने एसी हैं, इतने एसी लगा हुए हैं, एयर कंडीशनर लगे हुए, पर वो एयर कंडीशनर कितने, -1,00,000 जितने, -1,00,000 डिग्री तापमान हो तो अपने कैसा हो रहा है, तुरंत जम जाता है। जैसे वो गुलाब गर्मी से पिघल गया था ना, उस पिघले हुए को इस पृथ्वी पे छोड़ दो ना आप तो वो गोला तुरंत जम जाता है, इतनी ठंडक होती है। फिर भी यहाँ जो जीव जाते हैं उसका शरीर ठंडी के अनुकूल होता है और सहन नहीं होता है, फिर भी सहन करते हैं, पाप किया तो सहन करना पड़ता है। ऐसे बहुत से दुख इन सातों पृथ्वियों पर पड़ते हैं, विक्रियक उनका शरीर भी फिर इस प्रकार का होता है, पर उनके शरीर में वो मल निकलता रहता है, मतलब अपन देख नहीं सकते, कुरूप शरीर होता है। नार की नियम से सब नपुंसक ही होते हैं सारे के सारे, वहाँ कोई विषय भोग करने नहीं मिलता उनको, उनको इच्छा होती है सारे भोग करें, खाने की इच्छा होती है, इतना खाने की इच्छा होती है कि उसको खाना दे दो ना अहमदाबाद का सारा अनाज खत्म कर दे, ये भारत का सारा अनाज खत्म कर दे, ऐसा एक नारकी जीव को इतनी भूख लगती है, परंतु एक दाना भी नहीं मिलता। फिर वहाँ की क्या मिट्टी खाते हैं, दुर्गंध वाली मिट्टी होती है वहाँ की, दुर्गंध वाली मिट्टी ऐसी होती है, उस मिट्टी को एक मुट्ठी भर मिट्टी यहाँ ला करके रख देना, आसपास के अहमदाबाद के आसपास के 50-100 किलोमीटर के प्राणी उस दुर्गंध से मर जाए तुरंत, ऐसी दुर्गंध वाली मिट्टी होती है, उस मिट्टी को वो खाते हैं, पर उस मिट्टी की योग्यता उनकी भूख की शांत करने की होती नहीं है, इसलिए तो भी वो भूखे के भूखे ही रहते, प्यास भी उनको खूब लगती है, पर वहाँ पानी की कोई व्यवस्था, वहाँ एक वैतरणी नाम की नदी है ऐसा शास्त्रों में आता है, तो वहाँ का जो पानी पीने जाते हैं पर पानी पीते वो कांटों में बदल जाता है पानी, उससे प्यास ही नहीं जाती है, और जितने समय तक रहते हैं उतने समय तक ये यहाँ के प्राणी वो भूख प्यास आदि से वो तड़पते तड़पते एक दूसरे में मार काट करते हुए जाते हैं, जो एक दूसरे के शत्रु वगैरह होते हैं ना वो सब यहाँ जाकर के गिरते हैं, जिसको बहुत लड़ाई झगड़ा करने का शौक है, बदला लेने का शौक है, मारने का शौक है, अत्याचार करने का शौक है, ये सारे वो सारे व्यक्ति कहाँ जाके गिरते हैं, यहाँ इन पृथ्वियों में जन्म लेते हैं, और फिर सागरों पर्यंत इनकी आयुष्य कितनी होती है, अरबों अरबों और हम गिन नहीं सकते हैं, इतने दिन को आयुष्य होती है, सागर कहते हैं, सागर की संख्या बहुत होती है, कल हमने थोड़ी चर्चा करी थी, सागर अरबों अरबों अपने पास गिनती नहीं, इतने वर्षों तक वो यहाँ रहते हैं। और वहाँ पर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि वहाँ पर मरने की कोई व्यवस्था नहीं, सुसाइड नहीं कर सकता है, क्योंकि कोई दुखी हो जाए ना तो दुखी होकर के कोई सुसाइड करने का विचार कर ले, पर वहाँ सुसाइड कर ही नहीं सकता है,
उसके शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दो, हजार टुकड़े कर दो उसके शरीर को, तो भी उसका शरीर वापस जुड़ जाता है। ऐसा उनका विक्रिय एक पारे जैसा शरीर होता है। जब तक उसने जितना आयुष्य कर्म बांधा है, उतना आयुष्य कर्म जो पूरा होता है, उसी समय उस शरीर से उन जीवों को मुक्ति मिलती है, उसके पहले उनको मुक्ति मिलती नहीं। नहीं तो आपस में वो नारकी जीव होते हैं ना, वो एक दूसरे को मारते हैं, काटते हैं, अंग का छेदन भेदन कर देते हैं, पर तुरंत वापस जुड़ जाते हैं। जैसे वो पारा होता है ना, वो पारा को आप एक टुकड़ा टुकड़ा कर दो और वो वापस जुड़ जाता है, ऐसा उनका शरीर। तो सुसाइड की व्यवस्था अपने यहाँ तो ये तो है कम से कम। यहाँ कोई व्यक्ति दुखी हो जाता है तो चलो आत्महत्या कर लो, इतनी वहाँ वो व्यवस्था भी नहीं। इसलिए ये बहुत नारकी जीवन है। और हम लोग यहाँ सब शेयर करके आए, सारे दुख अनुभव करके भी अनादि से परिभ्रमण कर रहे हैं ना। हम कब के हैं? अनादि काल से हैं, चारों गतियों में घूम रहे हैं। और इस गति में के भी हम बहुत टेस्ट स्वाद लेकर के आए हुए, और अभी भी अगर नहीं संभले तो वापस वहाँ की सैर करने के लिए, हवा खाने के लिए जा सकते हैं। कहने का ये बताने का अर्थ ये है कि हमको यहाँ जाना नहीं है। जाना इसलिए नहीं बता रहे हैं, ये बहुत सुंदर है, ऐसा नहीं बता रहे, हमको यहाँ जाना नहीं है। जहाँ जहाँ नहीं जाना है उन सब चीज़ों की चर्चा कर रहे हैं। इसके विषय में किसी को प्रश्न करना, आपने तो टाइम हो गया, कल और इसकी रचना को समझेंगे उसको अच्छी तरह से। मध्य लोग उद्य लोग किसी को प्रश्न है तो आगे और कर सकते हैं। जब तक हम विश्व की व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं तब तक हमारी भ्रांतियाँ जाती नहीं, और जब तक हमारी भ्रांतियाँ जाती नहीं हैं तब तक हमें सही रूप से विवेक नहीं जागता है, और जब तक विवेक नहीं जागता है तब तक हमारा यथार्थ रूप से अंदर का आत्मज्ञान प्रकट नहीं होता है। तो ये सब जानेंगे तो हमारे हृदय में वैराग्य जागेगा, सही ज्ञान जागेगा, तो इसके कारण से फिर हम सही दिशा में। हमको तो यूँ लगता है कि आप तो क्या बातें कर रहे हो, कल्पनाएं कर रहे हो, कहाँ कहाँ से पढ़ कर गए हैं, परंतु कल हम सिद्ध करके बताएंगे, चारों गतियाँ यहीं पर सिद्ध करके बताएंगे, वो होती ही है। ऐसा नहीं कि ये सब कल्पनाएं हैं सारे सारे, कुछ भी कल्पना होती नहीं है, क्योंकि ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी, उन्होंने सब अपने ज्ञान में देख करके बताया। ऐसा नहीं कि कल्पना करके अंदाज करके बताए। आजकल के दार्शनिक वगैरह हो तो वो अंदाज से सारा अपना दर्शन लिखते हैं, ऐसे ये वितराग देव का दर्शन है, सर्वज्ञ देव का दर्शन है, वो ऐसे अंदाज वाला नहीं है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होता होगा, नहीं ऐसा हो, ऐसा नहीं है। प्रत्यक्ष दर्शी है, लोकालोक उनके ज्ञान में, उनकी आत्मा में झलक रहा है, और जैसा झलक रहा है उसको वैसा वैसा बताते हैं। जीवों को केवल जीव को, जीवों को, प्राणियों को वैराग्य आए, कम से कम सच्चा ज्ञान जागे, इसके लिए बताते हैं। और ये सुन करके अपने जीवन में भी ज्ञान और वैराग्य अपने को जानना चाहिए। चलो आगे कर सावधान। कमर सीधी, गर्दन सीधी, तीन बार उनका
दूसरे सब पदार्थों की चिंता छोड़ करके, कल्पना छोड़ करके इस शरीर में, पूरे शरीर में जो हम व्याप्त हैं, उसकी फीलिंग करना, उसकी अनुभूति करने का प्रयत्न करना। सहज हो जाने का, जय सद्गुरु। अपना सत्र समाप्त थे।